रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो जे कर्व नाम की एक चीज होती है hmm. आ, अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस की होगी एट सम पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कि सडनली एक दिन या एक साल में सडनली प्रॉफिट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते पर अगर उसी जे कर्व कॉन्सेप्ट को हम फेम से अटैच करें वो जे कर्व को दिखा दो स्क्रीन पे लोग समझेंगे क्या होता है बेसिकली huh? okay. आप रेवेन्यू ले लो या फेम ले लो एंड यू टेक टाइम जी राइट एज दी अदर एक्सेस तो आप दोनों को लगा दो एंड यू स्टार्ट फ्लैट फर्स्ट थोड़ा 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 ग्रोथ फिर एकदम से फट hmm. करके ग्रोथ आती है राइट एंड दैट फॉर्म्स अ जे ऑन द ग्राफ इसीलिए उसको जे कव कहते हैं यू कैन मेजर एनी थिंग विद दैट ग्राफ नॉट एवरीबडीज रेवेन्यू बिकम्स अ जे अव हर किसी का फेम जे कव नहीं होता है लेकिन कोई लोगों का हो जाता है okay. ये मैं दो पैरेलल सवाल पूछूंगा आपसे वो जो रेवेन्यू या पैसों की जे कर्व थी वर्सेस हाँ। फेम की जेक इन दोनों ग्राफ्स में एक ह्यूमन एफर्ट के परस्पेक्टिव से सिमिलैरिटीज क्या थी और डिफरेंसेस क्या डिफरें बड़ा, बड़ा भारी सवाल है यार हाँ, हाँ। <laughs> आ, ये दोनों जेकर्व में इतना टेक्निकल क्वेश्चन मनी एंड फेम व्हाट हा द इज यार एक तो है कि कॉन्फिडेंस जब ये आपके पास भरपूर पैसे आएंगे या कोई लोग आपको रस्ते चलते पहचानने लगेंगे और आपसे बातें करना चाहेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना आदमी की चाल ही बदल जाती है सो आई थिंक एक वो सिमिलैरिटी है और प्रायर टू द जे कर्व के फेज में वहाँ के भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में तो यानी कि जब ग्राफ एक्चुअली फ्लैट चल रहा है फेम भी ज़्यादा नहीं है लाइफ में पैसे भी ज़्यादा नहीं है लाइफ में हाँ वहाँ पर यार एक तो वहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है यू आर जस्ट लाइक वन ऑफ दी मतलब करोड़ों लोगों की तरह हो आप संघर्ष जारी है लेकिन कोई उसका आउटकम नहीं रिजल्ट नहीं है एवरी डे इज रूटीन लगता है कि बस लगे रहो इन द होप दैट समथिंग विल हैपन फेम के बारे में तो 99.9 परसेंट इंक्लूडिंग मी लोग सोचते ही नहीं है कि हो भी सकता है चाहता चाहता सबको ही है एवरीबडी वॉन्ट्स फेम डोंट मेक अ मिस्टेक लोग कहते हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ पीपल विल टेल यू आई डोंट वॉन्ट फेम जब अगर आप बात पूछोगे ना बिकॉज दे नो दे कांट हैविट उनको पता है कि वो कभी पहुँचेंगे नहीं तो उसको डिनाई कर दो अपने आप से पहले ही एज अपोज टू बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड बाई सिड एंड आई कांट हैविट वो तो एम्बेरसमेंट हो गया कि आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है सेल्फ कंडीशनिंग है ना तो आप खुद को ही बोल दे तो मेरे को चाहिए ही नहीं तो आप दुनिया को भी झूठ बोलने लगते हो बट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल बिलीव वो फेम मिल ही नहीं सकता उनको तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हूँ बिकॉज दे डोंट थिंक दे कैन गेट इट लेकिन क्या एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ मोस्ट पीपल थिंक हाँ नॉट मोस्ट पीपल हाँ ज़्यादा करके लोग सोचते हैं एट सम पॉइंट ऑफ अदर कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ तो वो वो रेस में लग जाते हैं कभी विजुलाइज़ करी थी ये लाइफ यार मैं एक बात कह रहा हूँ तुमको मेरी जो मैंटेलिटी है ना थोड़ी डिल्यूजनल है न <laughs> <laughs> भारी शब्द है बट ट्रू है मतलब मैं शॉर्ट टर्म में बड़ा पेसिमिस्टिक हूँ बट लॉन्ग टर्म में आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड अभी वो लॉन्ग टर्म कितने साल है मेरे को नहीं पता बट आई ऑलवेज फील कि एंड में तो आई विल बी दल्टीमेट इन एवरी थिंग दट आई डू मनी फेम वड एवर तो वो एक डीप रूटेड विश्वास है राइट right? दिन में दिन मतलब ये लगता है मेरे को ये भी काम ख़राब होगा वो भी ख़राब होगा ये कैसे करूँगा वो कैसे करूँगा वो एंजाइटी चलती रहती है बट लॉन्ग टर्म में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है राइट right? तो क्या मैंने सोचा था कि ये लाइफ होगी हाँ कहीं मतलब एक होप तो सर्टली थी आ, क्या ऐसे लगने लगा था कि शायद नहीं हो हाँ वैसा भी होता है बिकॉज यू फेयर आपको सेल्फ डाउट तो होता ही है ना अब, अब आप, भी होता है? आ, हाँ बिल्कुल होता है रोज होता है आप कुछ भी बन जाओ यार लाइफ में बोलने के लिए आप बोल तो नहीं होता है <laughs> लेकिन सबको सेल्फ डाउट होता है इनफैक्ट सेल्फ डाउट एंड फेयर इफ यूज करेक्टली आ वेरी ग्रेट ड्राइविंग ड्राइवर्स आपको बड़ा मोटिवेट कर सकते हैं तो आज भी होता है uh, तो यार आई एम इन्जॉइंग इट तो यू नो टू ओन फेम आप फेमस लोगों को भी देख लो और ये मुझे इसका बड़ा मज़ा आता है जो फेमस होते हैं मैं लोगों को पूछता हूँ अच्छा तो यार अच्छा है लेकिन कभी कभी है ना ये फिर मैं कहता हूँ फिर क्यों आप फेमस हो बंद कर दो <laughs> तो दिस थिंग ना कि मैं फेमस हूँ लेकिन तकलीफ़ होती है अरे कभी कभी बहुत अटेंशन ये मतलब अपने आप को कंडीशनिंग की बात है दुनिया को दिखाना है कि आई एम यू किबिल यूमिलिटी सब बेकार की बात है यू आर फेमस बिकॉज यू वॉन्ट टू बी फेमस यू कैन मेक अ चॉइस टूडे नॉट टू बी फेमस अनलेस यू आर प्रिंसेस डायना और सम पीपल कैन नॉट राइट अगर आप रॉयल्टी में बॉर्न हो राजा रानी हो कुछ हो मीडिया लव्स यू दे डोंट लीव यू लोन मोस्ट फेमस पीपल कैन चूज नॉट टू बी फेमस मैं सिर्फ एक चीज मैं आपसे सीनर हूँ विच इज एक्सपीरियंस ऑफ फेम अच्छा फेट से ठीक है इन टर्म्स ऑफ टाइम लाइन ठीक है ओके okay. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हर कोई आपके पास्ट में से चीजें को खोद कर आ, एक नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट करेगा आ, हो, हो रहा है हो रहा है right. कि पास्ट की खुदाई करके yeah. कीचड़ फेंकने की कोशिश राइट yeah. right? कैसे हो रहा है आपकी लाइफ में पास्ट की खुदाई और प्रेजेंट की <laughs> पर ये क्यों पास की खुदाई और प्रेजेंट वही होता है ना अगर आप पास की खुदाई करोगे तो आपकी प्रेजेंट की तो वही होना है क्योंकि वॉट हैपन आप किसकी पास की खुदाई जब करते हो क्या करते हो आप या तो कोई शादीशुदा आदमी या औरत की एक्स गर्ल एक्स बॉय निकालते हो आप तो उस पर उस तरीके से घर में टेंशन लाते हो आप या आप निकालते हो कि भाई इसने इसको फ्रॉड किया उसको फ्रॉड किया तो एक ट्रस्ट ले जाते हो आप तो कोई ना कोई तरीके से दे आर ट्राइंग टू कप योर प्रेजेंट ओके आई टेल यू मुझे क्या सेंस हो रहा है यहाँ दिस इज अ मच्योर पर्सन स्पीकिंग अबाउट फेम वर्सेस अ पर्सन फाउंड फेम इन ट्वेंटीज स्पीकिंग क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा बदला था ट्वेंटीज में देर आर दर अ वेरी बिग डेल्टा नाउ बिटवीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मी फ्रॉम अ परिवर्स्पेक्टिव हाँ Uh, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ज्यादा कूल हूं या ज्यादा स्मार्ट हूं बस कुछ कुछ चीजें मिस आउट हो हो गई हैं एंड uh, वो होता है यू हैव टू चेंज योर फ्रेंड्स देखो लाइफ में क्या होता है ना हमेशा आप हर सर्कल में देखोगे हर ग्रुप में देखोगे पांच दोस्त गर्ल्स बॉयज कुछ भी हो स्कूल में कॉलेज में उसमें से एक ही आगे निकलेगा पांचों के पांच तो नहीं निकलेंगे जनरली स्पीकिंग एंड फोर तो या तो पैसे की बात होती है कि एक बड़ा सक्सेसफुल बन जाता है अभी ही तो उसको अपना लाइफ बदलना पड़ता है हॉलीडेज वो जो जा, जा, रहा है, जा रही है तो आप क्या करोगे या तो आप मतलब यू हैव एवरी थिंग बट यू स्टिल अभी भी आपके आसपास बचपन के ब्रोज हैं हाँ बिल्कुल है वो अभी भी फेम के बाद आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे फेम के पहले ट्रीट हाँ, करते हैं और वो वो एक अच्छी बात है मजा आता है when you can let your head down वही गाली गलौज थे talk shit to you तू समझता क्या मतलब release हो जाता है हाँ वो release वो मजा आता है वो शायद मेरे life के experience के सबसे खुश moments होते हैं बचपन के bros के साथ क्योंकि मैं पीआर अनफ्रेंडली चीजें चीज है कह सकता हूँ उनके सामने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, <laughs> बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे विदाउट कॉन्सिक्वेंस कि आगे क्या होगा रात कई बात गई जब आप बड़े होते हो लोगों के साथ तो एक दूसरे को एक बार नंगा देख लिया ना भाई hmm. तो उसके बाद क्या छुपाओगे hmm. क्या दिखाओगे hmm. <laughs> है ना अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे तो ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ